पायल शाह और मैं एक मदर, टीचर, गाइड, हीलर हूँ और आप सभी की दोस्त भी हूँ। सो इस श्रेणी में मुझे आज आपसे शेयर करना है क्वांटम जंप क्या है, क्वांटम हीलिंग, क्वांटम जंप, क्वांटम वर्ल्ड क्या है। क्वांटम वर्ल्ड जुड़ा हुआ है कॉन्शियसनेस के साथ और ये कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी चेतना, चित्त की अवस्था, चेतना, चित्त की शक्ति जिसे हम चेतना कहेंगे, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है क्वांटम वर्ल्ड। अब जरा क्वांटम वर्ल्ड की बात अगर करें या क्वांटम वर्ल्ड की बात करें तो ये समझ लीजिए कि हम इस धरती पे थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में जीते हैं। धरती वैसे देखने जाए तो जितने भी लोक हैं, लोका, लोका यानी कि रेल्म, और 14 रेल्म है, 14 रेल्म में सातवें रेल्म पर धरती आती है और धरती के वाइब्रेशन जो है वो क्वांटम डायनामिक में, डायमेंशंस में थर्ड डायमेंशंस है। तो थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में जब हम धरती के अनुभव को जी रहे हैं तो हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं कि मैट्रिक्स सबसे हाई है, इसके नीचे जैसे सात लोग नीचे के लोग हैं, धरती से नीचे के लोग, बाकी के छह और लोग हैं जिसे हम पाताल लोक या असुर लोक या वॉट एवर जो भी अलग अलग नाम है, तलातल है, पाताल है, रसातल है, तो ये सारे अलग अलग नाम हैं उसके। टोटल नीचे के सात लोग हैं और ऊपर के हायर डायमेंशन के सात लोग और हैं, टोटल 14 डायमेंशन हैं, 14 रेल्म। और 14 लोकों में धरती हमारी सातवें रेल्म पर है और थर्ड डायमेंशन है, यानी कि रेल्म और डायमेंशन, तो सातवां रेल्म और तीसरा डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन में यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स फ्रोजन है, स्टक है। हम यहाँ पे जितने भी अनुभव करते हैं वो डेंस होते हैं, डेंस यानी कि घने, घनत्व। पेन एक्सपीरियंस करना, इल्यूशंस फील करना, यानी कि अगर आपके सामने कोई घटना घट रही है तो आप ये फील करेंगे कि इसका दर्द, इसकी तकलीफ है, ये चीज मेरे साथ हो रही है। आई, यहाँ पे आई बड़ा पावरफुल है, माया का राज है यहाँ पे। इल्यूशंस, चारों तरफ इल्यूशंस। और यहाँ पे 5 सेंसेस से हम सारे अनुभव करते हैं। क्वांटम जंप की अगर मैं बात करूं तो क्वांटम जंप वो है कि टाइमलाइन, अगर आप देखें हमने कितने वर्ड्स इस जर्नी में सुने होंगे, थोड़े से उन वर्ड्स की भी चर्चा करना जरूरी है। जैसे कि हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, हम फ्यूचर लाइफ की बात करते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो टाइमलाइन शिफ्ट की बात भी करते हैं। टाइमलाइन शिफ्ट मतलब क्या? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक ट्रैक में चल रहा है। अगर पास्ट में मैंने कोई गड़बड़ की होगी या गलती की होगी तो उसका प्रेजेंट उसी गलती के अकॉर्डिंग होगा और उसका फ्यूचर उसी गलती के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। तो उसी टाइमलाइन के चलते आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी बनता है और आपका इस लाइफ का प्रिडिक्शन भी होता है, तो वो सिमिलर टाइमलाइन में चल रहा है। अगर आप पास्ट में जाकर उन गलतियों को करेक्ट करेंगे तो आपकी टाइमलाइन चेंज हो सकती है। तो पास्ट करेक्ट किया, प्रेजेंट चेंज हुआ और फ्यूचर चेंज हो गया, टाइमलाइन शिफ्ट हुआ। यानी कि यहाँ पे आपने कुछ डिसीजंस लिए, जो डिसीजन लिए उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर प्रेजेंट मैनिफेस्ट हुआ और उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर मैनिफेस्ट होगा। पर अगर पास्ट में जाकर आप डिसीजन चेंज कर लेते हो तो गूगल की तरह आपकी लाइफ, आपका टाइमलाइन रीरूट हो जाएगा। यानी पास्ट को यहाँ पे चेंज किया, डिसीजन चेंज किया, आपका प्रेजेंट बदला और उसके साथ का फ्यूचर बदला, तो उसे हम कहते हैं टाइमलाइन शिफ्ट। टाइमलाइन शिफ्ट एक पैरेलल लाइन में चल रही है, जबकि क्वांटम जंप की बात करते हैं तो वो ऐसे चलेंगे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट में सीधा सेकंड फ्लोर पे आ गए, सेकंड फ्लोर से सीधा लिफ्ट में थर्ड फ्लोर पे आए, और आप चाहो तो 10th फ्लोर तक भी जा सकते हो या 12th फ्लोर तक भी जा सकते हो। तो इसे हम कहते हैं क्वांटम जंप। ट्रेन सीधी पटरी पे चल रही है, दैट इज टाइमलाइन, पर लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर ले जा रही है, दैट इज क्वांटम जंप। शायद मैंने कोशिश की है कि सरल शब्दों में आपको क्वांटम
चमकी बात बता पाऊं। तो जैसे किसी लिफ्ट में बैठे, बटन दबाया और आपने डायमेंशन चेंज करना शुरू किया, तो आपका थर्ड डायमेंशन अर्थ यानी सेवेंथ रेल, उसके बाद आप असेंड हो सकते हैं लिफ्ट में बैठकर जैसे, और आप 14th रेल तक जा सकते हैं। पहले का समय ऐसा था, थोड़ी सी हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं, तो धरती पे असेंशन की प्रोसेस शुरू हुई 1960 से। 1960 में पहली ब्रीड आपकी सोल की ऐसी ग्रीड आई कि जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, यानी स्पिरिचुअल टर्म्स को सही मायने में साइकोलॉजिकल और क्वांटम टर्म्स से जोड़ना शुरू किया था। बहुत स्लो प्रोसेस थी, बहुत धीमे 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 एक्सपांशन होता जा रहा था, पर कुछ एविडेंसेस, कुछ जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होने लगी, हिप्नोटिज्म एग्जिस्टेंस में आया, या बियॉन्ड जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर रिसर्च होने लगी, या पास्ट लाइफ मेमोरीज या चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर काम होने लगा, पर बहुत एक्सेस नहीं होता था, पर होना शुरू हुआ था। 1960 से 80 के बीच में जो सोल्स धरती पर आई वो कुछ स्पेशल क्वालिटीज के साथ आई थी। तो 100 में से एक व्यक्ति ऐसा था जो ऐसी बियॉन्ड चीज़ों को रिसर्च करता या जानता। तो ऐसे कुछ गिने चुने नाम या गिने चुने सूफी या गिने चुने सेंट ऐसे हो गए कि जिन्होंने हमें स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज देना शुरू किया। फिर आई दूसरी ग्रीड, जो सेकंड ग्रीड आई वो 1980 से लेकर 2000 तक की आई। उसमें हाईली स्पिरिचुअल सोल्स थे। ये सोल्स ऐसे थे कि जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी, हाई स्पिरिचुअलिटी एक्सेस कर सकते थे, हाई डायमेंशन की इंफॉर्मेशन इंटिटिवली ये कनेक्ट कर पाते थे, इनके पास कुछ अलग क्वालिटीज थी, अनदर डायमेंशन से या अनदर यूनिवर्स से भी आए हुए ये सोल्स थे। तो इस समय पे स्पिरिचुअलिटी का रेशियो 100 से जो 60-80 में जो 100 में से एक या दो का था, वो 80 से 2000 के बीच में ये रेशियो बना कि 70 से 80 लोग, या ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे 60 से 70 लोग 100 में से स्पिरिचुअल थे। पर ये मैट्रिक्स में आए तो ये ऐसे परिवारों में आए कि जहाँ पे पूरी पूरी लिनिएज में या पूरे पूरे परिवार में एक ब्लैक शीप की एनर्जी, ये फैल गए संसार के, ये धरती के जितने भी फैमिलीज होंगे और जितनी भी लिनिएज होगी, 50 या 100 लोगों का एक परिवार होता है जिसमें हम रिश्तेदारों की बात करें या काका मामा बुआओं की बात करें या कजिन्स की बात करें, तो 50-100 लोगों का एक परिवार होता है, उसमें एक ब्लैक शीप। 80 से 2000 के बीच में ऐसी आत्माएं आई जो फैल गई और एक ब्लैक शीप की एनर्जी में आई और उनके अंदर हाई स्पिरिचुअल ट्रेड्स थी। अब 2000 के बाद 2020 तक तीसरी ग्रीड आई, यानी 20 ईयर का पीरियड रहता है 20 साल। पहले 20 साल 60 से 80 का, दूसरे 20 साल 80 से 2000 तक का, और तीसरा 20 साल जो है वो है 2001 से लेकर 2020 तक का। ये तीसरी ग्रीड, इसमें जो जन्म लिए सोल्स हैं उनके पास डीएनए है एक स्पिरिचुअल पेरेंट की, यानी कि समझ लीजिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो 80 से 2000 के बीच वाली जो सोल है उसमें से एक पर्सन हाईली स्पिरिचुअल है और दूसरा नार्सिसिस्ट या कार्मिक, और उनसे जो बच्चा पैदा हो रहा है 2000 के बाद पैदा होने वाली जो भी जनरेशन है उसके पास एक स्पिरिचुअल पेरेंट का डीएनए है और एक कार्मिक पार्टनर का डीएनए है पेरेंट का, यानी कि बच्चे के पास एक स्पिरिचुअल डीएनए आ गया। और ये सोल और हायर रेल्म से हायर क्वालिटीज के साथ आई, यानी 2000 के से लेकर 2020 तक की जो सोल्स धरती पर आई और इस बीच में जिसने जन्म लिया वो और भी पावरफुल और भी मास्टर सोल्स थी। तो अगर कैटेगराइज करूँ मैं तो 1960 से 1980 का पीरियड था इंडिगो चाइल्ड का, इंडिगो सोल्स का। 1980 से 2000 तक की बात करूँ तो ये सोल्स थी रेनबो सोल्स, रेनबो चाइल्ड, और ये सारे अनदर डायमेंशन से आए थे अर्थ मिशन को एक्टिवेट करने के लिए, असेंड करने के लिए। प्रोसेस बड़ी स्लो, धीरे 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 घटी है।
होनी शुरू हुई है। अर्थ की वाइब्रेशंस को असेंड करने के लिए जो प्रोजेक्शन में आया वो 1960 से शुरू हुआ। कॉन्शियसनेस का लेवल एक्सपांड होना शुरू हुआ, चेतना खुलनी शुरू हुई। उससे पहले चेतना बंद हो चुकी थी, डंब हो चुके थे लोग, सोच ही नहीं होती थी, सवाल ही नहीं होता था, सवाल पूछने पे दबा दिया जाता था। अब कभी किसी ने सवाल के जवाब देना नहीं सिखाया या फिर सवाल पूछना ही नहीं सिखाया, कोई सवाल के जवाब देना नहीं जानता था। अगर सवाल पूछे तो चुप करा दिया जाता था, यानी कि एक स्लेवरी कॉन्शियसनेस थी, गुलाम बन चुके थे लोग। बुद्ध और महावीर के जाने के बाद धरती पे घोर अंधेरा छाया हुआ था। 2500 साल तो हो चुके हैं, 2500 साल के अंदर अर्थ और लोअर डायमेंशन में चला गया और हमें ये सिखा दिया गया कि ये कलयुग है। नो डाउट कलयुग है, अंधेरा है, डेंस है, काल आगे बढ़ रहा है, वापस अपनी एक साइकिल पूरी कर रहा है। तो किसी भी रूप में कहीं पे भी वापस सतयुग की ओर जाना ही जाना है, ये तो चक्र है, पूरा होगा। जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म भी होगा, उसी पॉइंट पे जाकर खत्म होगा। पर कॉन्शियसनेस का लेवल गिरता गया और पाखंड बढ़ता गया, लोग सवाल पूछना बंद कर दिए, सवाल पूछे तो जवाब आने बंद हो गए, यानी क्यूरियोसिटी का लेवल खत्म हो गया। तो धीरे 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 1960 से ये प्रोसेस फिर से शुरू हुई। कुछ नए कायदे, नए कानून, नए नियम बनने शुरू हुए, क्योंकि धरती पे दर्द बढ़ गया, यहाँ पे पेन बढ़ गया, यहाँ पे तकलीफें बढ़ गई, लोग पीड़ित होने लगे, बहुत बुरे तरीके से पीड़ित हुए, बहुत बुरे तरीके से गुलाम बने। तो अर्थ मिशन छेड़ा गया, हर ब्रह्मांड के सोल्स ने, हर डायमेंशन के सोल्स ने, हर अलग अलग यूनिवर्स के सोल्स ने इनिशिएट किया कि किस तरीके से धरती पर लाइट को वापस लाया जाए और इसे फोर्थ डायमेंशनल यूनिवर्स फिर से बनाया जाए। और ये जंग छिड़ी 1960 से लेकर अभी तक। तो धीरे धीरे मिशन को एग्जिस्टेंस में लाया गया, जिसमें फर्स्ट ग्रेड 60-80 में आई, सेकेंड ग्रेड आई 82-2000 में, और थर्ड ग्रेड आई 2020 तक। तो थर्ड ग्रेड जो आई वो और पावरफुल सोल थी और उनके पास एक स्पिरिचुअल पेरेंट का डीएनए था। और ये जो बच्चे हैं 2001 से लेकर 2020 तक के बच्चे, उनके पास एक अलग क्वालिटीज हैं। छोटी छोटी एज में ये बहुत मास्टरपीस बनकर बाहर आ रहे हैं। इनकी क्वालिटीज, इनकी पोटेंशियल, इनकी स्पिरिचुअलिटी एक्सेस एक्सट्रीम लेवल की है। 80-2000 वाली सोल्स हैं, दे आर हाईली स्पिरिचुअल, दे आर लाइक ओल्ड सोल्स, दे आर लाइक वेरी पावरफुल सोल्स। इनके पास भी एक डिफरेंट काइंड की क्वालिटीज हैं, लाइक इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना, क्लेयरवॉयंट होना, और इसके अलावा भी हिडन जो पावर्स हैं, हिडन इनविजिबल पावर्स हैं, वो एक्टिवेट करना, अर्थ पे पीस मेंटेन करना, और ऐसे बच्चे को जन्म देना कि जिसको वो अपना डीएनए दे पाए। तो कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिज करने के बाद भी बच्चे पैदा हुए हैं, और लोगों के प्रश्न ये होते हैं कई बार कि हम इन बच्चों का मतलब कैसे इनको ये करें। आपका रोल इतना ही था कि अपने डीएनए पास कर दिया, और वो आत्माएं जिनको आपके डीएनए की जरूरत थी वो धरती पे आ चुकी आपके बच्चों के रूप में, आपकी फ्यूचर जनरेशन के रूप में। अब उन्हें ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रेम से टैकल करने की जरूरत है, और ये आत्माएं धरती पे आ चुकी हैं। और ये जो 20 के बाद की जो जनरेशन आएगी, 2020 के बाद की जो जनरेशन 2040 तक की, वो और पावरफुल और हायर असेंडेड सोल्स आएंगे। तो ये है क्वांटम टाइमलाइंस, यहाँ पे जिसमें हम कहेंगे कि टाइमलाइन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेंज हो रहा है। अब बारी है क्वांटम जंप की, तो कि जो 60 से 80 के बीच के सोल थे वो आज एज में भी बड़े हो चुके हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है वो बड़ी रिजिड है, दे आर हाईली स्पिरिचुअल, बट स्पिरिचुअलिटी उनकी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही है क्योंकि चेतना का लेवल कम था, दबा हुआ था। तो इनकी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस है वो पूरे तरीके से जागृत नहीं हो रही है। आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं कि वो एक शांत आत्मा है या प्रेम से भरी हुई है, पर फिर भी आपकी तरह वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपकी तरह वो
क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते, आपकी तरफ वो शायद हो सकता है कि डिकोड नहीं कर पाते चीजों को। तो ये जो सोल्स हैं वो यहाँ पे बॉडी रिलीज करेंगी, और आने वाले समय में 2020 के बाद की जनरेशन में जो वापस पैदा होने वाली है, नए शरीर को धारण करके आएगी, नई कॉन्शियसनेस को लेकर आएगी, और उन सोल के जरिए वो पैदा होंगी जो 2001 से 2020 में पैदा हुए हैं। यानी कि उनको एक नया अर्थ मिलेगा, नया एनवायरमेंट मिलेगा, और इवोल्यूशन प्रोसेस पावरफुल हो जाएगी, असेंड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रही है। तो कोविड के समय पे बहुत से लोग बहुत फास्ट यहाँ से निकल गए। इसका रीजन अर्थ को वो बहुत फास्ट लेवल पे शिफ्ट करना है। तो नई जनरेशन में बर्थ लेंगे तो नया एनवायरमेंट मिलेगा, नए डीएनएस मिलेंगे, नई स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। सोल की क्वालिटी तो है पावरफुल, उनको सिर्फ नए डीएनए की जरूरत है। पुराने डीएनए वहीं छूट गए बॉडी के साथ, और नए पेरेंट्स के डीएनए मिलेंगे जो हायर स्पिरिचुअल सोल्स हैं। इस तरीके से असेंड होना है। अब 80 से 2000 के बीच की जो सोल्स हैं उनको क्वांटम जंप करना है। अभी 2 साल से मेरी रिसर्च चल रही थी, मेरा सेल्फ स्टडी भी चल रहा था, और मैं कहीं पे इल्यूजन में और डिल्यूजन में भी थी कि पास्ट लाइफ डेटा कनेक्ट तो करते हैं हम, पास्ट लाइफ कनेक्ट तो करते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपकी टाइमलाइन बताता है, पर पास्ट लाइफ का जो डेटा है वो भी कहीं पे मैट्रिक्स के बबल में फंसा हुआ है। यानी एक मैट्रिक्स का बबल ऐसा क्रिएट किया गया था कि आत्माएं जब मरती है, शरीर जब छोड़ती है, हम यहाँ पे धरती पे जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारी सोल उस मैट्रिक्स के बबल में जाती है, और वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि आपकी ये कर्म, आपकी ये गलतियाँ, आपका ये लेसन, आपको धरती पे जाना है, वापस लेसन लर्न करना है और वापस इवॉल्व होना है। हर जीवन में ये हो रहा था, हर बार ये हो रहा था, पर धरती का एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया था कि कोई भी आत्मा अपने लेसन लर्न ना कर पाए, यहाँ पे फंस जाए, कोई गलती कर दे और कर्मा की चुंगल में फंस जाए। यानी कि यहाँ पे डार्कनेस क्रिएट की जा रही है ताकि सोल यहाँ पे गुलाम बने रहें, पैसा कमाएं, गलत जगह पे खर्च करें और दुख हमेशा बना रहे उनके जीवन में, लोअर वाइब्रेशन आपके हमेशा बने रहें और आप कभी भी लव फ्रिक्वेंसी में ना जा पाएं। अगर आप एक बार लव फ्रिक्वेंसी में चले गए तो आप मैट्रिक्स को तोड़ देंगे, इल्यूजन्स को ब्रेक कर देंगे और आप फ्रीडम में चले जाएंगे, मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप फ्रीडम में ना जाएं, आप लव को फील ना करें और आप मैट्रिक्स की जाल को ब्रेक ना करें, इसलिए आपको लोअर वाइब्रेशन में रखा जा रहा है। और ये मैट्रिक्स चल रहा था और इस वजह से गुलामी बढ़ी हुई थी, स्लेवरी बढ़ चुकी थी, पेन बढ़ चुका था, वाइब्रेशन लो हो चुके थे और कोई भी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही थी। इसलिए मोक्षा जो वर्ड है ये सब्जेक्ट एक टैबू बन चुका था। अब क्या हो रहा है कि पास्ट लाइफ डेटा डिलीट हो गया, अब पास्ट लाइफ डेटा एक्सेस नहीं रहा है। पिछले 2 साल से इस पर काम चल रहा था, कई बार मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन बंद किया, कई बार मैंने शुरू किया, एंड ऑल द टाइम आई वॉज फीलिंग दैट कि मेरी लाइफ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मुझे हीलिंग मिली। पर अभी के समय में, पिछले 2 साल में, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ से भी ज्यादा कुछ है, पास्ट लाइफ से ऊपर भी कुछ है। ये टाइमलाइन जो है वो कहीं ना कहीं पे एक इल्यूजनरी वो चल रहा है, वर्ल्ड चल रहा है। नो डाउट हमारी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट में जो भी सफर कर रही है वो पास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग ही सफर कर रही है। सो पास्ट लाइफ गलत नहीं है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन गलत नहीं है, पास्ट लाइफ की प्रोसेस गलत नहीं है, पर अभी इस समय में आपके लिए क्वांटम डेटा अवेलेबल है, आपके लिए क्वांटम जंप पॉसिबल है। सो एक नई पद्धति डेवलप हो रही है, एक नई चीज डेवलप हो रही है, एक नई चीज आपके लिए एग्जिस्टेंस में आ रही है, क्वांटम जंप। तुरंत ही डायमेंशन शिफ्ट करो, तुरंत ही अपग्रेड हो जाओ। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट में अगर मान लीजिए कि कुछ मिसिंग है, मैं फाइनेंशियली स्टक फील कर रही हूँ और मैं फाइनेंशियली कहीं पे अटकी हुई हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी में नहीं आ पा रही हूँ, मुझे वो खोजना है कि मेरी पैरल लाइफ में कहीं पे मेरी हायर प्रॉस्पेरिटी वाली सेल्फ या हायर प्रॉस्परस सेल्फ मौजूद है, वो प्रॉस्पेरिटी कैसी है,
और मेरी कॉन्शियसनेस में अगर वो डेटा आ जाए कि प्रॉस्पेरिटी में आने का अनुभव कैसा है, तो मैं इसी जीवन में यहीं पर प्रॉस्परस एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। आई डोंट नीड टू गो इन टू माई पास्ट कि वॉट आई हैव डन इन माई पास्ट, मैंने क्या गलत किया होगा, मैंने क्या कर्म बांधे होंगे जिसकी वजह से मेरे पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ऐसे विषय पे जाने से बेहतर है कि मेरी हाईली प्रॉस्परस सेल्फ कौन सी है और उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, और मैं क्वांटम जंप करके अपनी प्रॉस्परस सेल्फ से कनेक्ट करूंगी और प्रेजेंट में आई विल बी प्रॉस्परस। क्योंकि कर्मा डिलीट कर दिए गए हैं। जैसे होता है ना कि समझ लीजिए बहुत सारे गुनहगार एक जेल में बंधे हुए हैं, अब हजारों लाखों फाइल इकट्ठी हो चुकी है, अब उन फाइल का निपटारा कैसे, इसका कोई एंड ही नहीं है। किसने कब किसका खून किया, किसने कब किसकी चोरी की, किसका लूट मचाई, आप दोषी नहीं है उसमें, क्योंकि फॉल्स मैट्रिक्स ने आपको फंसाने के लिए या आपको इल्यूजन में रखने के लिए यहाँ पे कर्म की जाल क्रिएट की। ना चाहते हुए भी आपको इन्फ्लुएंस आता है और किसी के साथ गलत कर लिया, आपका भोजन करप्ट किया गया, आपके आसपास का एनवायरमेंट करप्ट किया गया, सोशल मीडिया आपके लिए करप्ट किया गया है, आपके एनवायरमेंट में वो वाइब्रेशन छेड़े गए, आपके अंदर वो इम्प्लांट्स किए गए कि आप गलत करो या फिर आप गलत सोचो या आप लस्टफुल रहो, आपके अंदर इम्प्लांट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस दबी हुई है, आप कभी ऊंचा सोच नहीं पाओगे, तो इसमें आपका दोष नहीं था। इसलिए हायर डायमेंशन के सोल्स ने आपका क्वांटम, ये जो पास्ट लाइफ डेटा है, कर्मा का जो फाइल्स है, कर्मा की जितनी भी फाइल्स हैं, उसको एक साथ बर्न कर दिया, आपका पास्ट लाइफ डेटा ही डिलीट हो गया, आपकी फाइल्स डिलीट हो गई हैं। यकीन मानना पड़ेगा आपको कि यू डोंट हैव योर पास्ट कर्मा नाउ, जस्ट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर प्रेजेंट। आप जब अपने वर्तमान की जिम्मेदारी लेंगे, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, आप अपने अच्छे कर्मों की जिम्मेदारी लेंगे, तो आप क्वांटम शिफ्ट कर सकते हो। इसी विषय पर मैं और डिटेल में वीडियो बनाती जाऊंगी, आपको और नॉलेज शेयर करती जाऊंगी, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी रिसर्च मैं आपके सामने रखती जाऊंगी, ठीक है। और इस विषय को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से हमारा अर्थ असेंड कर रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, और मोक्ष और फ्रीडम टैबू नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। हम सब डिजर्व करते हैं, ईच एंड एवरी सोल डिजर्व दिस फ्रीडम, आपका स्वभाव ही, आपका अस्तित्व ही फ्रीडम है। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर बहुत जल्दी आपको इसी विषय में और डिटेल नॉलेज शेयर करूँगी।